और ऐसा कुछ दिखेगा भी है जो कि अभी इस तरीके से दिख रहा है, अब ये थोड़े टाइम बाद ऐसा कुछ दिखने लग जाएगा। ये नरसिंह भगवान है, बुद्ध भगवान है, कृष्ण भगवान है, सारे मतलब 12 अवतार बनाए हुए, कितना सुंदर बनाया हुआ है देखो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्लांटिस पे। मैं राहुल मीणा कोटा राजस्थान से आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे। और जो सीरीज चल रही है हमारी वो है रंगीला राजस्थान Day 3। और चाय एकदम कड़क। तो कल हम निकले थे प्रतापगढ़ से और पहुंच चुके हैं घाटोल, ये पड़ता है बांसवाड़ा में। और आज का जो सीन है वो कैसे रहेगा? आज सुबह बांसवाड़ा घाटोल से हम निकलेंगे वेणेश्वर धाम करते हुए डूंगरपुर में गैप सागर झील, खेरवाड़ा से जंगल के रास्ते होते होते पीछे से कोशिश करेंगे कि माउंट आबू पहुंचे आज। पर इसमें कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं। कि जहाँ भी हमें लगता है कि ठीक है आज का दिन पूरा हो गया वो हम जाके रुक जाते हैं। तो चाय भी खत्म हो गई, अब बस थोड़ा सा इसका भ्रमण कर लेते। रात के टाइम क्या होता है ना, कुछ दिखता तो है नहीं, पर ये कुछ है जहाँ आज रुके हम। देखो पीछे कितनी सुंदर जगह है, वाह कितनी बड़ी रेंज है यहाँ पे यार इसकी। तो ये कुछ था हमारा रूम, इसका भी आपको एक बार जैसे कल रात दिखाई दिया था मैंने, पर फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। ये कुछ है रूम, ये हमारा मस्त बिस्तर, बाथरूम भी बहुत अच्छा है। और ये जो है इसको खोलूंगा नहीं, इसमें डाइनिंग टेबल वगैरह रखी, आप आकर खाना वाना खा सकते हो। इस कर देते हैं हम जैसे कि हर किसी भी होटल में या रूम में जाते हैं वहाँ पे। तो चले भाई बढ़ाते हैं, क्योंकि आज जो है थोड़ा सा लंबा रन होने वाला है। हाँ एक बार लास्ट चेक कर लो, चलिए शुरू करते हैं। दिक्कत क्या हो रही है, सबसे ज्यादा दिक्कत मेरे साथ यही हो रही है कि मैं अकेला फंस गया इस ट्रिप में। मतलब अकेला मतलब है तो सारी, पर मतलब जैसे कुचर होती है ना फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वगैरह इन सब करनी, उस चक्कर में यार। तो कर रहे हैं मशक्कत, क्योंकि ट्रिप में अगर दो व्लॉगिंग करने वाले हों तो वो आपस में समझते हैं कि कैसे करनी है क्या करना है, पर यहाँ दिक्कत दूसरी है खाली। यहाँ जैसे बता रहे चल चल क्या कर रहा है तू, ये क्या बीमारी है वो टेंशन में जाते हैं। मैं कुछ करता हूँ तो मतलब जितनी मेरी दम है जितना तो मैं कर ही रहा हूँ। साथ में मैंने लगाया ये देखो सेटअप, ये GoPro को ये यहाँ लगा दिया, तो रोड के फुटेजेस जो अच्छे अच्छे होंगे उसको हम कैप्चर कर लेते हैं, नहीं होते उनको रहने देंगे। कल रात को हम त्रिपुरा सुंदरी गए थे तो वहां से मैंने एक छोटी सी तस्वीर ली है, बड़ी सुंदर है और वाकई में बहुत सुंदर मंदिर था यार वो। मेरा तहे दिल से इच्छा थी कि मैं सुबह के टाइम उनके दर्शन करूं, पर कहते ना किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। कल रात ही हम गए भाई माना नहीं, और वहां पे चल रही थी आरती, बहुत ही सुंदर आरती, और पूरा हमने अच्छे से मजे लिए उसके। तो अच्छा था, शायद हो सकता था सुबह के टाइम हमें दर्शन करने को नहीं मिलते मतलब आरती के। तो ये थी कुछ बात। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं राजस्थान के एक ऐसी जगह पे, ऐसे मंदिर में जो कि बसा है तीन नदियों के संगम पे, माही जाखम और सोम। और इस जगह का नाम है वेणेश्वर धाम, जो कि प्रसिद्ध है या मान लो पूजनीय है मीणा जनजाति लोगों के लिए। और ये कुछ मंदिर है, ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये पूरा मीणा जनजाति के लोग खासकर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक मेला भरता बहुत ही भव्य। और अभी इसको भैया से हमने बात की तो बता रहे थे कि फरवरी के आसपास इसको तोड़ करके या हटा करके नया बनाया जाएगा पूरा, जैसे कि अभी वहाँ पे एक मॉडल बनाया हुआ है उसको मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह का बनने वाला है। अपन ने हिंदू धर्म में आपने देखा होगा जब कोई मर जाता है या इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है तो हम गंगा या कहीं जाकर उनको विसर्जित करते हैं उनकी अस्थियों को। पर मीणा जनजाति की जो खासकर इस साइड के लोग हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर साइड के, वो यहाँ पे आते हैं वेणेश्वर धाम, क्योंकि ये इसी चीज़ के लिए फेमस है। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये मंदिर, ये वाला ये मंदिर अभी अंदर से दिखाऊंगा। और इसका जो स्वरूप है जो भैया बता रहे थे कि इसको हटा करके नया बनाया जाएगा, तो उसका एक डमी पीस जो बनाया हुआ है वो सामने उस जगह, तो मैं उसको भी दिखाता हूँ आपको, चलिए। और ये कुछ है जो अब इस मंदिर का,
ऐसा कुछ बनने वाला है अभी ये पूरा गार्डन बनाया हुआ इस साइड से, और ऐसा कुछ दिखेगा भी है जो कि अभी इस तरीके से दिख रहा है, अब ये थोड़े टाइम बाद ऐसा कुछ दिखने लग जाएगा। काफ़ी सुंदर मंदिर लग रहा है, शायद इसी पत्थर का बनाया जाएगा इसलिए इसकी इस टाइप की रचना की गई है। और ये कुछ मंदिर है, अब मैं अंदर से दिखाता हूँ एक बार आपको चल के। नीचे है वो मेन मंदिर, इसके नीचे ये है ओरिजिनल में तो मुकुट पहना रखा बस उसके ऊपर है। और जो है ये कुछ था मंदिर, और यहाँ पे काफी और धर्मों के भी मंदिर, अभी सामने कुछ एक बड़ा मंदिर है श्री हरि मंदिर वैष्णो धाम, ये देखो वो सामने एक बहुत बड़ा मंदिर है, जस्ट वहाँ से मैंने दिखाया था ना, ये वो मंदिर है काफ़ी, ये पूरा बन चुका है, इतनी अच्छी डिज़ाइन है। हाँ यार सुदर्शन चक्र लगाया हुआ है देखो ऊपर वहाँ पे वो, तो चलिए देखते हैं अंदर चल के क्या कुछ मंदिर है, अभी शायद बन ही रहा है, कितना सुंदर बनाया हुआ है देखो ये पूरी, अभी तो इसमें कारीगरी चल रही है, एक मंदिर कंप्लीट हो चुका है और ये दूसरा चालू होने वाला है, इसका ये झूमर वगैरह लगा दिए, देखो कितना बड़ा झूमर है ये, और वहाँ से काम चालू होगा पूरा, इसका अच्छा सा डोम बनाया जाएगा। और ये है भगवान के 12 अवतार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हाँ पूरे 12 के 12 ही हुई, कितना सुंदर गेट बनाया हुआ है देखो, ये नरसिंह भगवान है, बुद्ध भगवान है, कृष्ण भगवान है, सारे मतलब 12 अवतार बनाए हुए हैं, काफ़ी सुंदर गेट है यार ये तो, वाकई में बहुत ही सुंदर ऐसा गेट मैंने तो पहली बार ही देखा है। और ये कुछ है मंदिर, काफ़ी सुंदर मंदिर, ये बड़े बड़े हाथी, ये देखो कितना, और ये मार्बल है क्या है, ये मार्बल का बना हुआ है शानदार, ये इसका मेन गेट है, और उनका चक्र शेर जी का ये सामने। तो ये कुछ था मंदिर, थोड़ा घूमेंगे इसके मार्केट वगैरह को और फिर निकल जाएंगे नए डेस्टिनेशन के लिए डूंगरपुर। तो चलिए चलते हैं।